दोस्तों मेरी नई वीडियो आ गई। इस वीडियो में मैं आपको वेज मखनी बनाना सिखाऊंगा। आपने दाल मखनी तो जरूर सुनी होगी, आज वेज मखनी का भी स्वाद लीजिए। बहुत ध्यान से रेसिपी देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़ेदार है। और ये जो सब्जी तैयार होगी इसको आप बार बार बनाने का मन करेगा। वेज मखनी ढेर सारी सब्जियों के साथ मक्खन और क्रीम के साथ ये सब्जी बनाई गई है। मेरे चैनल का नाम है हेल्दी फीस्टिंग, इसको अभी सब्सक्राइब करें, शेयर करें वीडियो पसंद आने पर। मैंने पैन लिया, उसको गरम किया और उसमें एक टेबल स्पून देसी घी डाला। तब देसी घी गरम हो जाएगा तो एक टेबल स्पून मैंने जीरा डाल दिया। जीरे को हम रोस्ट करेंगे, जलाएंगे नहीं। जब ये फूल जाए तब मैं इसमें एक कप टमाटर प्यूरी डाल दूंगा। जब टमाटर प्यूरी थोड़ी भुन सी जाए फिर मैं इसमें एक चम्मच रेड चिल्ली पाउडर लाल मिर्च डालूंगा। फिर डाला मैंने एक कप प्याज, बड़ा बड़ा काट कर डालना है। स्वीट कॉर्न आधा कप उबला हुआ, हरी मटर उबली हुई आधा कप, मशरूम उबले हुए आधा कप, बीन्स उबाल कर डालनी है आधा कप, शिमला मिर्च एक कप, इसको भी पहले हल्का सा उबाल लीजिए, फूल गोभी एक कप, इसको भी उबाल लीजिए। उबालने का तरीका ये है, पानी उबाल लिया आपने फिर उसको अंदर डाल दी सब्जी 10-15 मिनट के लिए। ये गाजर एक कप, फ्रेश क्रीम, ये दूध की मलाई उतारी है और इसको मैंने फेंट दिया है और इसको हमने अच्छी तरह से अब मिला देना है। एक बार और ध्यान दीजिए, सारी सब्जियां पानी पहले उबाल लेना है खूब ज़्यादा, जब अच्छी तरह उबल जाए फिर ये सब्जियां आप उस पानी में, उबलते पानी में ढककर रख दीजिए 10-15 मिनट तक बिना गैस जलाए। इसमें मैंने डाला गरम मसाला एक चम्मच और ये कसूरी मेथी। कसूरी मेथी डालने से पहले इसको हथेलियों के बीच में थोड़ा रगड़ने, इससे खुशबू बहुत ज़्यादा आती है। अब इसको हमने ज़्यादा कुक नहीं करना है, इसको कुक करने के लिए मुश्किल से 5-7 मिनट। अब मैंने इसमें मिलाया एक कप उबली हुई पत्ता गोभी। ये मैं 4 लोगों की सर्विंग के लिए बना रहा हूँ। आप इंग्रेडिएंट्स सर्विंग के अनुसार ही लें, सॉल्ट टू टेस्ट। जैसा आप नमक खाते हो तेज डालिए, हल्का खाते हो हल्का डालिए, अगर नहीं खाते तो मत डालिए। बटर 2 टेबलस्पून, क्योंकि ये वेज मखनी है, इसमें मक्खन तो भूलना ही नहीं हमने, तो 3 चीज हो गई इसमें, देसी घी, फुल फैट क्रीम और मक्खन। इसकी जो खुशबू आ रही है, एरोमा जो आ रहा है सब्जी का और जो फ्लेवर है लाजवाब है। ये तैयार हो गई है, इसको गर्मा गर्म सर्व कीजिए। एक मज़ेदार बात यह है, ये जो वेज मखनी है इसके साथ आपको ना चावल की ज़रूरत है, ना रोटी की, ना परांठे की, ना पूरी की। इसको बस चम्मच लीजिए और गर्मा गर्म गप खा जाइए। बहुत सुंदर, बहुत खुशबूदार, बहुत लाजवाब स्वाद में वेज मखनी। अगर अभी तक नहीं बनाई है तो आज ही डिनर में तुरंत बनाइए। कमेंट दीजिए कमेंट बॉक्स में, आपको मेरी
मखनी वेजिटेबल कैसी लगी। मेरा चैनल हेल्दी फीस्टिंग सब्सक्राइब कीजिए, ये वीडियो पसंद आई तो शेयर कीजिए। ऊपर बॉक्सेस दिखाई दे रहे हैं, मेरी प्लेलिस्ट है, कोई सा भी लीजिए और ज़्यादा वीडियो देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।